हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज हम इंग्लिश का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने आ रहे हैं जिसका नाम है मॉडल्स। आपने ये पहले भी कई बार पढ़ा होगा स्कूल के टाइम पे। आज के तौर पे देखा जाए तो ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10th लेवल तक के एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो। कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर MPSI में तो 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं और 12th लेवल के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम बहुत ही आसान वे में आज पढ़ेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और मैं ये कम्प्लीट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें मॉडल्स को समझने से पहले सबसे पहले किसको समझना पड़ेगा, वर्ब को समझना पड़ेगा। वर्ब से क्या मतलब है ये समझ लेते हैं पहले। जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब वर्ब हमारी दो टाइप में बटी हुई है। पहला टाइप है हमारा हेल्पिंग वर्ब। पहला टाइप क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा टाइप है हमारा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब को भी दो टाइप में बांटा गया है। एक तो फर्स्ट है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और दूसरे टाइप की हेल्पिंग वर्ब है मॉडल्स। अब हमें पढ़ना तो मॉडल्स चैप्टर है, लेकिन हम पहले वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब क्या है? थोड़ा सा हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या कैसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में और इनका कहाँ पर कैसे यूज किया जाता है। देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब भी हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब का ये पार्ट हैं दोनों, मॉडल्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, ये हेल्पिंग वर्ब का ही क्या है, पार्ट है। अब प्राइमरी में क्या आता है? वर्ब के फॉर्म्स, जो 5 फॉर्म होते हैं वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म्स आपने स्कूल टाइम पर ही पढ़े होंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हमें जो हमारे टीचर्स थे वो लर्न करने के लिए देते थे। फोर्थ फॉर्म इसलिए याद नहीं करना पड़ता था क्योंकि वो ING लगाकर बनता है। हम फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और जो फिफ्थ फॉर्म SES वाला फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म होता है SES वाला फॉर्म, तो उसमें क्या करते हैं, SES लगाकर हम फिफ्थ फॉर्म बना देते हैं। तो उसकी नीड भी हमें सिर्फ एक ही टेंस में होती है, वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। मान लीजिए मैंने बोला मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई गो टू मार्केट, लेकिन वह बाजार जाता है तो बोलूंगा ही गोज टू मार्केट। इट मीन्स ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हमने गो के साथ क्या लगा दी, SES लगा दी, तो ही गोज टू मार्केट बन गया। लेकिन आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट माना जाता है, तो आई के साथ सीधा क्या यूज किया, गो का यूज किया। ये एग्जाम्पल हमने कई बार पढ़ा होगा जब हमने टेंसेस को स्टार्ट किया है कभी पढ़ना, कहीं पर भी टेंसेस पढ़े हैं। तो पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, वहां पर हमने ये कई बार पढ़ा है। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहां पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब आती है? डू बी और हैव। डू बी और हैव टाइप की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है। डू बी हैव से क्या मतलब है? डू, डज, डिड और बी से मतलब है इज एम आर, और हैव से मतलब है हैज, हैव और हैड। ठीक है, और बी से क्या मतलब है इज एम आर और वॉज वर। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पर आप देखो जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर दे हैड लंच लिखा है, तो यहाँ पर जो ये हैड है, यही यहाँ पर इसको एक्शन भी माना गया है, क्योंकि यहाँ इससे मतलब ये निकल रहा है कि मैंने लंच कर लिया था, और साथ साथ ये हेल्पिंग वर्ब का भी यहाँ पर काम कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो ये इज है, इज, ही इज प्लेइंग क्रिकेट लिखा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट में जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम करती है। तो कहने का मतलब जो लिखा गया है उस पर ध्यान दें, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी यूज होती हैं, कभी कभी ये मेन वर्ब्स के रूप में भी यूज होती हैं। मेन वर्ब्स क्या है? मेन वर्ब्स ये है, जैसे एक्शन होता है, एक्शन के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, और ING फॉर्म होता है हमारा फोर्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है SES वाला फॉर्म। तो मेन वर्ब से मतलब है एक्शन, एक्शन के ही ये फॉर्म्स है। काम की इंग्लिश को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने बोला खाना, मतलब खाने से मतलब जैसे मैं भोजन करता हूँ, तो यहाँ पर एक्शन क्या है, खाना, मतलब भोजन को करना। तो खाने से मतलब है, खाना एक एक्शन है। कहीं जाना, जाना मतलब गो, तो जाने का एक्शन हो गया। दौड़ना, दौड़ना क्या हो गया, एक एक्शन हो गया। इन्हीं के क्या बनते हैं, फॉर्म्स बनते हैं। जैसे मैंने बोला दौड़ना, दौड़ना का मतलब होता है रन, सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, रेन, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, रनिंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, रन्स।
तो ऐसे ही गो, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म गोइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गोज होता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक्शन को कितने फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, फाइव फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, डू बी हैव में जो यूज होती है, जैसे कि इज, हमार, वाज, वर, हैज, ये सब, अगर मैंने यहां सेकंड एग्जांपल में ही के बाद इज लगाया तो इज हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब, इज यहां पर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो प्लेइंग है वो क्या हो गया, एक्शन का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्ले में क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, तो फोर्थ फॉर्म बन गया प्लेइंग, इसे हम आईएनजी वाला फॉर्म भी कहते हैं। और क्रिकेट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही मॉडर्स भी क्या होते हैं, एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब भी है। मॉडर्स बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, जो भी हमारा मूड रहता है, जो हमारे मूड में होता है कि हमें किसी को एडवाइस देना है, किसी से प्रॉमिस करना है, किसी को परमिशन देना है, कहीं से परमिशन लेना है, तो हम मॉडल्स का यूज करते हैं। अभी हम मॉडल्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉडल्स का यूज कहाँ कहाँ का होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। अब मॉडल्स भी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है। एक बात याद रखना कि मॉडल्स कितने होते हैं नंबर्स में, 13 होते हैं, बेसिकली 13 मॉडल्स होते हैं, और हर मॉडल्स के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन ये चीज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं होती। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये टेंसेज में यूज होती हैं, और टेंसेज में पांचों फॉर्म्स का यूज होता है। जो एक्शन के फाइव फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स का यूज हम कहाँ करते हैं, टेंसेज में करते हैं। लेकिन मॉडल्स में बेसिकली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो जो हमारे 13 मॉडल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुने ही होंगे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, ये सब हमारे 13 मॉडल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा, ऐसे करके 13 मॉडल्स होते हैं। 13 मॉडल्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म कब लगता है, जब हम किसी भी मॉडल्स के बाद हैव लगा दें। जैसे कि मान लीजिए कुड हैव है, तो कुड हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुड हैव है, तो शुड हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मे हैव है, तो क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। माइट हैव है, तो क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज हम जब भी करते हैं जब हैव लग जाता है किसी मॉडल के साथ। और अगर सिर्फ कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड है, तो इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये काम क्या करते हैं। ये जो मेन वर्ब के का कार्य नहीं कर सकते, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करते, ये एक्शन का काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि कैन है, ये चीज़ों का एक्सप्रेस करेगा जो आपके दिमाग में है। आपको अगर अपनी एबिलिटी बतानी है, कैपेसिटी बतानी है, पावर बताना है, तो कैन कैन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक्शन का काम नहीं करेंगे, ये काम का काम नहीं करते सेंटेंस में। ठीक है, तो जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते, केवल हेल्पिंग वर्ब का ही क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, इनका यूज किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से 13 होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू, कितने होते हैं, ये 13 होते हैं। अब देखिए इनका यूज कैसे करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। देखिए जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अभी यहां पर आपने देखा कि इच का यूज कर रहे थे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है, वैसे ही हम कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर कैन का यूज करेंगे तो कुछ और चीजों को वो एक्सप्रेस करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, यहां पर आप देख पा रहे हो ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर जो कैन है वो क्या है, एक मॉडल है, और एक्शन क्या है, स्पीक। तो यहां पर बोला जा रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, इट मींस आप अपनी क्या बता रहे हो, एबिलिटी को बता रहे हो। और वह इंग्लिश बोल सकता है, यानी कि आप ही की एबिलिटी को बता रहे हो कि वह इंग्लिश बोल सकता है, उसके अंदर यह एबिलिटी है। ठीक है, अब नोट यहां पर एक डरा हुआ है, नीड, डेयर, यूज टू, हमारी क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब है ये मेन वर्ब का भी काम करती है सेंटेंस में और एक्शन का भी काम करती है। ऐसे तीन मॉडल्स हैं, नीड, डेयर और यूज टू, जो क्या करते हैं सेंटेंस में कभी कभी मेन वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी एक्शन का भी काम करते हैं। आगे हम इनको समझेंगे कैसे। यहाँ पर बोला गया है ये नीड और डेयर मॉडल जो होते हैं वो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मेन वर्ब का क्या यूज है। जो हमारा वर्ब का सेकंड पार्ट है वो होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब से क्या मतलब है, एक्शन। मैं आपको अभी बता ही चुका हूं कि एक्शन कितने टाइप के होते हैं, फाइव टाइप के होते हैं बेसिकली। ठीक है, मॉडल्स के साथ हम क्या करते हैं, याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि मॉडल्स के साथ या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। और जो हमारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब होती है उनमें पांचों फॉर्म का यूज होता है। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग वर्ब के क्या होते हैं, फॉर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेन वर्ब
के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो एक्शन है उसके स्थान पर आते हैं, जैसे कि टेक, मेक, एटसेट्रा। बहुत सारी मेन वर्ब्स है, अनकाउंटेबल, बहुत जितनी आप बनाते हैं उतनी मेन वर्ब्स हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये फॉर्म्स कैसे बनते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ईट है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, एट, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, और फोर्थ फॉर्म क्या है, ईटिंग, आई एन जी लगाकर बना दिया, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, ईट्स। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो फोर्थ फॉर्म है उसमें कैसे बनाते हैं उसको, फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाकर फोर्थ फॉर्म बना देते हैं, तो बन गया ईट का क्या बन गया, ईट, ईट का ईटिंग बन गया। वैसे ही फिफ्थ फॉर्म में क्या लगा देते हैं, एस या ई एस लगा देते हैं, तो बन गया ईट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्राइमरी वर्ब प्लस मेन वर्ब को मिला देते हैं, प्राइमरी क्या है, एज एम आर वॉज वर्ब, यानी कि डू बी और हैव की, अगर इनमें हम मेन वर्ब मिला देते हैं तो एक इंग्लिश का एक नया चैप्टर निकल के आता है, वो होता है टेंसेस, जो हमने कई बार पढ़ा होगा स्कूल टाइम पे, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स मतलब मॉडल्स में मेन वर्ब को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, मॉडल्स बन जाता है, ठीक है। मॉडल्स में अगर हम एक्शंस को मिला दें क्या बन जाता है, मॉडल। जैसे मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई क्या है, सब्जेक्ट है, कैन क्या है, मॉडल है, और स्पीक क्या है, मेन वर्ब है। तो कैन के साथ हमने स्पीक को मिला दिया तो हमारा कौन सा चैप्टर निकल के आया, मॉडल्स चैप्टर निकल के आया। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मॉडल्स प्लस मेन वर्ब को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा चैप्टर बनता है, मॉडल्स चैप्टर बनता है। तो ये सारी चीजें थी जो हमें समझनी थी इस चैप्टर में, तो हमने समझी। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब यहां पे समझते हैं व्हाट इज मॉडल। व्हाट इज मॉडल, वे हेल्पिंग ऑफ जो मेन वर्ब के मोड यानी कि कार्य विधि को व्यक्त करते हैं, क्या आखिर के क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप, अपने द्वारा या अपने जरिए क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और किसी के बारे में क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी का क्या मूड है, क्या वो आपको एडवाइस देना चाहता है, या वो आपको कहीं ना कहीं परमिशन दे रहे हैं किसी काम के करने की, या आप किसी से परमिशन ले रहे हो, या आप पॉसिबिलिटी को बता रहे किसी काम के होने की संभावना को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इन मॉडल्स चैप्टर में, ठीक है, जो हमारे ये मॉडल्स चैप्टर है। तो वे हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के मूड कार्य विधि को व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। ये कितने होते हैं, 13 होते हैं, मैं आपको अभी बता चुका, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे 13 होते हैं। मॉडल्स की विशेषताएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक एक्शन है जैसे सामर्थ, एबिलिटी, शक्ति, पावर, अनुमति, ये इनका हिंदी लिखा है एक्शन, ये ऐसे एक्शंस हैं जो क्या करते हैं, एबिलिटी को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं, परमिशंस को शो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम धीरे धीरे जानेंगे कि कौन कौन से मॉडल क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर मैं आपको एक नॉलेज के तौर पर बताऊँ तो मॉडल्स के द्वारा हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो अनरियल रहती हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं रोज बाजार जाता हूं, तो ये क्या है, ये टेंस का एग्जांपल है कि मैं ये काम डेली करता हूं, लेकिन मैंने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं, तो इसका क्या मतलब है कि अभी पीटा नहीं है, पीट सकता हूं। आप अपनी एबिलिटी और अपने पावर और अपनी कैपेसिटी को तो एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन उन सब चीज़ों को आपने किया नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको मॉडल चैप्टर बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन मैंने अभी समझाया तो नहीं है, जब तक मैं समझा नहीं दूंगा तब तक ये चीज़ कैसे सिद्ध हो जाएगी। तो ये अपने आप में कैसा एक्शन हुआ, अनरियल एक्शन हुआ, जो अभी काल्पनिक है, अभी सिर्फ बोला जा रहा, इसको किया नहीं गया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि तुमने अभी तक अपने बड़ों का सम्मान किया नहीं है, इसलिए ये एडवाइस दी जा रही, क्योंकि अगर किया होता तो टाइमिंग डिसाइड हो जाती, और टाइमिंग डिसाइड होने से ये सेंटेंसेस कहां पहुंच जाते, ये सेंटेंसेस टेंसेस में पहुंच जाते। कहने का मतलब अगर मैंने बोला मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा, देखो मैंने इंग्लिश पढ़ा दी, तो कहां पहुंच गया, ये टेंसेस में पहुंच गया कि ये मैंने एक्शन कर दिया। अब कब किया, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, या आप ऐसा बोलो जैसे कि आपने पढ़ा होगा टेंस में जो विल और सेल होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है। देखिए विल और सेल का यूज मॉडल्स में भी होता है, विल और सेल एक प्रकार का क्या है, मॉडल भी है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इट मींस अभी मैं गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा, ये अभी काल्पनिक एक्शन है जो सिर्फ बोला जा रहा है, अभी किया नहीं गया है। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जैसे विल सेल टेंस में हमने सीखा कि हम विल सेल के द्वारा उन एक्शंस को बताते हैं जो अभी किए नहीं है, जिनके बारे में सिर्फ आप सोच रहे हो करना करने के लिए। जैसे आपने बोला मैं एक नई कार खरीदूंगा, तो इट मींस आपने एक नई कार अभी खरीदी नहीं है, आप खरीदेंगे, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस करने का काम कर रहे हो।
तो मेरे कहने का मतलब है कि वहां पे हमने ये सब चीजें सीखी, कहां पर? टेंसेस में। टेंसेस की मैं एक मास्टर वीडियो पहले डाल चुका हूं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको जाना है और टेंसेस की एक मास्टर वीडियो सर्च करनी है, एक घंटे की मैंने वीडियो डाली है, आप उसको एक बार जरूर देखें तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर हमने टेंस के फंडामेंटल, टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और एक्शंस का कैसे यूज करते हैं, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, किस प्रकार के एक्शंस का यूज किया जाता है, कौन से वर्ब के फॉर्म लगते हैं, सेंटेंसेस मेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने टेंस की वीडियो में सिखाई हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, वो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने बनाई है आपके लिए, आप उसको सीखकर अपने टेंसेस के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं, जितने भी आपके डाउट हैं टेंसेस में वो सारे क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो में। तो एक बार मैं जरूर सजेस्ट करूंगा उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। अब हम समझ लेते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक्शन की टाइमिंग डिसाइड हो जाती है तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं? टेंसेज में पहुँच जाते हैं, लेकिन मॉडल से एक्शन की टाइमिंग डिसाइड नहीं होती, मॉडल से हम चीज़ों को सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये चीज़ अभी करना है, ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये काल्पनिक एक्शन है, जैसे सामर्थ, एबिलिटी, ये सब चीज़ें बता दी यहाँ पर, ये सभी अकेले नहीं आते, ये सदैव मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये आएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में क्या लेके आएंगे? एक्शन को भी लेके आएंगे, लेकिन कैसे एक्शंस को? अनरियल एक्शंस को लेके आएंगे, जो अभी हुए नहीं है उन एक्शंस को बताना, जो जितने समय बोले जाओ उतने समय वो हुए ना हो, सिर्फ उनके बारे में क्या करना? एक्सप्रेस करना, यानी कि वो अनरियल हों, रियलिटी में ना आए हुए हों। आगे देख लेते हैं, इन पर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर, पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि ये डिपेंड नहीं करते किस पर, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि एजेमआर की बात करूं मैं, या वॉजबर की बात करूं मैं, या हैज हैव की बात करूं, या डूडस की बात करूं, जो हमने टेंसेस में सीखी है, वहां पर हमने सीखा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। कहने का मतलब मैं एजेमआर को ले लूं, तो मैंने बोला इज किसके साथ लगेगा, तो आप बोलोगे ही सी इट नेम के साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, तो आप बोलोगे आई के साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, तो बोलोगे वी द यू के साथ लेगा। वैसे ही मैं डू डस की बात करूं तो डस का यूज किसके साथ होता है? ही सी इट नेम के साथ होता है, और डू का यूज किसके साथ होता है? आई वी द यू के साथ होता है। तो कहने का मतलब वहां पर ये देखा जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन मॉडल्स को ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। मॉडल्स, कोई भी मॉडल, जैसे कि मान लीजिए कैन है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कुड है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा। जैसे कि शुड है, तो वो हिज इट नेम के साथ भी लग जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा, और आई वी द यू, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी लग जाएगा। तो उसको ये मैटर डिपेंड नहीं करता, ये नहीं होता उसके साथ कि आप सिंगुलर देखो या प्लूरल सब्जेक्ट देखो, ये चीज डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाते हैं, जो कोई भी मॉडल होता है। अब आगे देखिए, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा है, इनके साथ इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव से मतलब क्या रहता है? जब टू आ जाए सेंटेंस में कहीं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो वो सेंटेंसेस को हम इन्फिनिटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। आपने भी पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है। परंतु ऑट और यूज टू के साथ टू लगा रहता है, ठीक है, तो हम इन्हें इन्फिनिटिव का प्रयोग कह सकते हैं कि इनके साथ क्या होता है, इन्फिनिटिव सेंटेंस ये होते हैं अपने आप में। यूज टू और ऑट टू अपने आप में क्या रखते हैं? टू को कंटेन करके रखते हैं, टू को साथ में रखते हैं, ठीक है, तो इनको हम इन्फिनिटिव सेंटेंस ही बोल सकते हैं। कहने का मतलब इनकी क्या नहीं होते? फॉर्म्स नहीं होते। आप बोलो कि इनके कोई फॉर्म्स होते तो इनके कोई फॉर्म्स नहीं होते मॉडल्स के, ठीक है। टेंसेस में इनका प्रयोग नहीं होता, टेंसेस में टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, इनका प्रयोग नहीं होता। इसलिए मैंने बताया आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का ही क्या है? पार्ट है। दो हेल्पिंग वर्ब का ये क्या है? पार्ट है। हेल्पिंग वर्ब की तरह ये यूज होती है, और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी कि एजेमआर, वॉज बर, हैज हैव, डू डज, ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ होता है? टेंसेस में होता है, ठीक है। आप टेंसेस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका यूज कहाँ होता है, बेसिकली टेंसेस में होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा पहला मॉडल है कैन। अब हम एक एक करके 13 मॉडल्स को अपने पढ़ेंगे। अब कैन का यूज समझ लीजिए, कैन से मतलब क्या है? एक बात याद रखना, चाहे कोई भी मॉडल हो, वो उन्हीं एक्शंस को एक्सप्रेस करने का काम करेगा मॉडल्स में, जो क्या होंगे? अनरियल होंगे। कहने का मतलब जितने समय बोले जाएंगे उतने समय वो किए नहीं गए होंगे, ऐसा समझ सकते हो आप। तो कैन का पहला यूज क्या है? कैन का मीन्स हिंदी में क्या होता है? कर सकना होता है, किसी काम को कर सकना ही क्या है? कैन का यूज करके आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी काम आप कर सकते हो, किसी काम को कर सकना ही क्या है? कैन लगाना है, ठीक है। बी एबल टू या और नॉन हाउ टू, कैसे करते हैं ये बता रहे हो आप, या कैसे कर सकते हो ये बता रहे हो आप, ठीक है। तो पहला यूज क्या है कैन का? पावर,
हम कैन का यूज किसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं? पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, वो भी कब की? प्रेजेंट की। वर्तमान की अगर हमें पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है तो हम क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। इस चीज का आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, ही कैन रन अ माइल। ही कैन रन अ माइल यानी कि वो एक लंबी दूरी का कर सकता है, तय कर सकता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लिखा है, ही कैन रीड इंग्लिश स्मूथली। वह आराम से क्या कर सकता है? इंग्लिश को पढ़ सकता है। तो इट मीन्स पहले एग्जाम्पल में क्या बताया गया? कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया गया। किसकी कैपेसिटी को? ही की कैपेसिटी को। अगर हमें कभी फिल करने को आ जाए कि यहां पर क्या लगना है तो हम समझ सकते हैं ही रन अ माइल। अब ऑप्शन में दिया है कि कैन लगना है, वुड लगना है, कुड लगना है, कौन सा मॉडल लगना है। तो अगर हमें याद है कि कैन का यूज प्रेजेंट की कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है तो हम क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। क्योंकि रन करने के लिए यहां पर मूड क्या है? रन आपको करना है, लंबी दूरी को रन करना है। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्षमता होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? एक लंबी दूरी तय कर सकते हो। तो ऐसे समझ लिया हमने कि कैन का फर्स्ट यूज क्या है। कैन का फर्स्ट यूज ये है कि हमें कैपेसिटी, पावर और एबिलिटी को शो करना है, वो भी वर्तमान की, तो हम क्या लगा देंगे? कैन लगा देंगे। तो यहां पर हम क्या फिल कर देंगे? कैन का फिल, कैन फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली। मैं आराम से इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। अब आप कोई भी सब्जेक्ट को या कोई भी लैंग्वेज को आप अगर आराम से पढ़ सकते हो तो आपने उसको कई बार पहले पढ़ा होगा, आपके अंदर उसको पढ़ने की क्या होगी? एबिलिटी होगी। इट मीन्स मेरे अंदर क्या है? इंग्लिश को पढ़ने की एबिलिटी है। ऐसे आप समझ सकते हो कि क्या लगना है? कैन लगना है। तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है। फिर एक और एग्जांपल लिखा है, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल। मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ। इट मींस मेरे अंदर क्या है? पावर है, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ, ठीक है। कोई भी बंडल, लकड़ियों का बंडल हो, है ना, या किताबों को एक बंडल के रूप में रख दिया गया हो तो आप उसको उठा सकते हो। इट मीन्स आपके अंदर क्या है? पावर है, तभी आप क्या कर सकते हो? उठा सकते हो। किसी भी चीज़ को उठाने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए। तो लिफ्ट, लिफ्ट यहाँ पर हमें बता रहा है कि लिफ्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को या बंडल को लिफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पावर चाहिए। और पावर चाहिए कब चाहिए? पावर वर्तमान में चाहिए। आप ये कब बोलोगे, ये कब यूज करोगे कैन का? बेसिकली इनका यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा, कोई भी मॉडल हो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि इनके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने सामर्थ्य को बताते हैं, अपनी कैपेसिटी को बताते हैं, है ना। कहने का मतलब, और किसी को एडवाइस देना हो या किसी काम के होने की संभावना को बताना हो, ठीक है, या अपनी मोरल ड्यूटीज बतानी हो या अपने मोरल ऑब्लिगेशंस बताने हो, इन सब चीज़ों का एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत यूज इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर हम ये सब चीज़ें लोगों के सामने क्या करते रहते हैं? एक्सप्रेस करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड एग्जांपल है, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल। तो मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्या है? पावर है। एक और, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच। वह इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर इंग्लिश और फ्रेंच बोलने की क्या है? एबिलिटी हो। उसने प्रयास किया होगा कई बार बोलने का, उसने सीखी होगी, वो इंग्लिश और फ्रेंच बोलने में पहले क्या हुआ? एबल हुआ होगा, तब उसकी आप एबिलिटी को क्या कर रहे हो? शो कर रहे हो। तो ही कैन यहाँ पर हम कैसे लगा सकते हैं कैन? हमने देखा कि स्पीक करना है क्या? इंग्लिश करना है स्पीक और फ्रेंच भी करना है। अब ये करना है या कर सकता है, कोई भी मॉडल ऑप्शन में दिया गया, कैन दिया गया, वुड दिया गया, कुड दिया गया, मस्ट दिया गया। तो अगर हमें पता है कि कैन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम नो डाउट किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हो। सेकेंड यूज देख लेते हैं अपन। सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज है, हम पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या किसका यूज करते हैं? जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, जिस काम के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम क्या करेंगे? कैन का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप संभावना है तो यानी कि वो हुआ तो है नहीं, वो एक्शन हुआ तो होगा नहीं, किसी काम के होने की आप संभावना को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो कहने का मतलब वो काम अभी हुआ नहीं है, सिर्फ उस काम के होने की क्या है? संभावना है। तो कहने का मतलब हुआ कि वो काम क्या है? अभी अनरियल सिचुएशन में है, वो रियल सिचुएशन में नहीं है, वो रियल कंडीशन में अभी नहीं आ पाया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको यही बता रहा था पहले कि अगर हमें अनरियल एक्शंस को एक्सप्रेस करना है तो हम किन का यूज करेंगे? मॉडल्स का यूज करेंगे। धीरे धीरे हम इन बातों को यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हर एग्जांपल के द्वारा अनरियल एक्शंस को ही क्या किया जा रहा है? एक्सप्रेस किया जा रहा है किसी भी मॉडल के द्वारा। अभी तो यह पहला मॉडल है, पहले ही मॉडल में हमें चाहिए समझ में आए कि इसमें जो एक्शंस बताए जा रहे हैं वो एक्शन सिर्फ सामने वाले के सामने एक्सप्रेस किए जाएंगे, बताए जाएंगे। वो एक्शंस उतने समय हुए नहीं होंगे जितने समय बोले जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था, ही कैन
रोजाना माइल, वह एक लंबी दूरी क्या कर सकता है, तय कर सकता है। कहने का मतलब है कि अभी तय तो की नहीं है सर, वह एक्सप्रेस करो कि वह एक लंबी दूरी तय कर सकता है। आई कैन रीड इंग्लिश स्मूथली, मैं इंग्लिश को स्मूथली पढ़ सकता हूँ। कहने का मतलब अभी पढ़ी तो है नहीं, सिर्फ बता रहे हो कि मैं इंग्लिश को स्मूथली क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को उठा सकता हूँ, यानी कि अभी उठाया तो नहीं, सिर्फ आप बता रहे हो कि मैं उसको उठा सकता हूँ। ठीक है, ही कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वह इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोल सकता है, लेकिन उसने अभी बोली तो है नहीं। जब तक बोली नहीं, जब तक वो रियलिटी में कैसे आएंगे एक्शन, तो आप ऐसे समझो कि जब तक एक्शन रियलिटी में नहीं आए होते हैं, जब तक वो कह रहते हैं अनरियल रहते हैं। और अनरियल एक्शन को बोलने के लिए किनका यूज किया जाता है, मॉडल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी को भी अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम किनका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, लेकिन किस टाइप की पॉसिबिलिटी को, क्योंकि अभी आगे कई मॉडल्स पॉसिबिलिटी को शो करेंगे, तो हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि कौन से मॉडल से किस तरीके की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाना है। तो यहाँ कैन के द्वारा सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो होगी, किसी एक्शन के होने की सबसे जो तीव्र संभावना होगी, उसके द्वारा हम क्या यूज करेंगे, उसको बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है, एनीवन कैन स्लिप हिज फुट, हर कोई अपने पैरों से क्या हो सकता है, स्लिप हो सकता है, चलते चलते कोई भी कभी ना कभी क्या हो जाता है, स्लिप हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे कि मान लीजिए मैं ही चलते चलते क्या हो जाऊँ, स्लिप हो जाऊँ, तो मैं बोल सकता हूँ देखो मैं स्लिप हो गया, तो मेरे इस काम के होने की संभावना कभी भी ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कभी भी क्या हो सकते हो, स्लिप हो सकते हो। तो इस टाइप के एग्जाम्पल जिसमें काम के होने की संभावना अत्यधिक हो, सबसे ज़्यादा हो, हाइएस्ट पॉसिबिलिटी, तो किसके यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, एनीवन कैन लर्न अ पोएम, हर कोई क्या कर सकता है, पोएम को लर्न कर सकता है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे भी क्या कर लेते थे, ज़्यादातर स्कूल लेवल में जब छोटी क्लासेस में रहते हैं तो ज़्यादा पोएम आती हैं। ठीक है, बड़ी क्लासेस में जैसे जैसे आते जाते हैं तो पोएम जो है वो चैप्टर से हटती जाती है। जैसे कि हम कंपटीशन लेवल की बात करें तो पोएम्स को उतना पढ़ा नहीं जाता है ना, पोएम्स उतनी हमें मिलती है बुक्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, जैसे कि बच्चे पोएम्स को रीड कर लेते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे एक कक्षा एक में पढ़ते हैं, दो में पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में क्या कर लेते हैं, आराम से पोएम्स को लर्न कर लेते हैं। तो कोई भी पोएम लर्न कर सकते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे पोएम को लर्न कर सकते हैं तो कोई भी इंसान क्या कर सकते हैं, पोएम को लर्न कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे समझो कि इस काम के होने की संभावना क्या है, सबसे तीव्र है, सबसे ज़्यादा है। फिर एक और लिखा है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, हर किसी के द्वारा कभी भी गलती हो सकती है, तो इस काम के होने की संभावना क्या है, सबसे ज़्यादा है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, जो बिजली रहती है वो क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सभी को पता है, हमेशा से सलाह दी जाती है कि बिजली से दूर रहो, आग से दूर रहो और पानी से दूर रहो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमेशा कभी ना कभी क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकती है, अब कोई मान नहीं रहा कि कैसे हो सकती है, तो आप एक बार करो, बोर्ड को छू कर देख लो, जहां आप स्विच लगा रहता है, आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा, बहुत कम संभावना है कि आपको करंट ना लगे, आपको करंट लगेगा ही लगेगा। तो इस काम के होने की संभावना क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। आप मान लीजिए कोई तार लगा हुआ है, तार बंधा हुआ है और वो तार थोड़ा सा कटा है, अब उस तार को आप छूओगे जाके, उस कटे हुए तार को आप छूओगे तो आपको करंट घलेगा ना, तो करंट लगने की संभावना क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो कहने का मतलब जब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। इन पॉसिबिलिटीज को हम थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज ही बोलते हैं, जो कभी ना कभी क्या की गई है, प्रूव की गई है। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे कैन का सेकेंड यूज, जो हमने बेहद ही आसान तरीके से समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशंस को, यानी कि आज्ञा देने या लेने के लिए भी करते हैं, वो भी अपनी इच्छा से ली अथवा दी गई आज्ञा। ठीक है, मान लीजिए कभी आपको ऐसा, मैंने लिखा है ऐसा, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर हमें अपनी इच्छा से कभी परमिशन लेनी है तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। कैसे अपनी इच्छा से, मान लीजिए आपके चार पांच फ्रेंड किसी रूम में बैठे हुए हैं, आपको उस रूम में जाना है, तो वो आपके फ्रेंड हैं, अगर आपको उस रूम में जाना है तो आप गेट में परमिशन लो खड़े होकर या ना लो, आप अंदर भी चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आपके फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति हैं, एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, तो आपने कहा कि यार चलो वो लोग बैठे हैं, वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं, तो मुझे परमिशन लेके ही जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, एक ईमानदार व्यक्ति के नाते आपने परमिशन ली, आपने परमिशन ली, अपनी इच्छा से परमिशन ली, तो आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए मे का भी यूज करते हैं। अभी जब मे के द्वारा परमिशन लोगे तो वहां परमिशन अपनी इच्छा से नहीं लेनी पड़ेगी आपको, आपको वहां परमिशन लेनी ही पड़ेगी, फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी, आपके लिए क्या हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा परमिशन लेना।
आगे समझेंगे हम इसको कैसे। अभी बात कर रहे हैं हम कैन के द्वारा परमिशन लेने की। कैन के द्वारा परमिशन अपनी इच्छा से ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि हम परमिशन लें, लेकिन हम एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के नाते क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारे द्वारा ली गई अपनी इच्छा से परमिशन हो गई, ठीक है। तो जैसे कि कैन आई गो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, आपको कहीं जाना है, तो आपने बोला कैन आई गो, क्या मैं आज जा सकता हूँ, तो ये आपने यहाँ पे क्या लगाया, कैन लगाया। आंसर में सामने वाले ने आंसर दिया यस यू कैन गो, आप अभी जा सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल, कैन आई यूज योर मोबाइल, मान लीजिए आपको अपने मॉम या डैड का मोबाइल यूज करना है, तो क्या आप घर में परमिशन लेते हो, नहीं लेते हो, बिना परमिशन के भी क्या कर लेते हो, मोबाइल को यूज करने लगते हो, ठीक है। या आपको अपने फ्रेंड का मोबाइल यूज करना है, तो क्या आप परमिशन लेते हो, नहीं लेते हो, बिना परमिशन के भी आप क्या ले सकते हो, उसका मोबाइल यूज करने के लिए ले सकते हो, वो आपको मना नहीं करेगा। लेकिन आपने क्या किया, दूसरे का मोबाइल है, मॉम डैड का मोबाइल है, दोस्त का मोबाइल है, तो आपने सोचा चलो परमिशन ले ले, तो आप परमिशन ले सकते हो, कैन के जरिए परमिशन ले सकते हो, कैन के द्वारा आप परमिशन को ले सकते हो, कैन आई यूज योर मोबाइल। तो इस तरह की एग्जांपल्स में किसके यूज करोगे, आप कैन का यूज करोगे। हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव फॉर्म में करना है। सबसे पहले क्या आएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब्स, आपको पता है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को आगे रखना पड़ता है और सब्जेक्ट को बाद में लाना पड़ता है। तो यहां पर आप किसको आगे लाओगे, कैन को आगे लाओगे, क्योंकि कैन ही हमारे यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया कि मॉडल्स हमारे लिए एक हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, काम करेंगे। जो ये हमारे 13 मॉडल्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे सेंटेंसेस में। कभी कभी ये मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे, वो भी गिने चुने, जैसे कि हमारे नीड और जो हमारा डेयर है, बेसिकली वो यूज होता है मेन वर्ब के रूप में सेंटेंसेस में कभी कभी, ठीक है। वो आगे हम समझेंगे जब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या दिया, आंसर ने बोला गया यस यू कैन यूज नॉर्मली इनफॉर्मल परमिशन। इस तरीके की परमिशंस को बोलते हैं हम, जो परमिशंस अपनी इच्छा से ली जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद हम समझते हैं कि नेचर और हैबिट को भी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज इंसान हमें क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है, क्योंकि ये उसका क्या है, ये उसका हैबिट है, ये उसकी हैबिट है कि वो क्या कर सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। हर एक जो धोखेबाज इंसान है उसकी हैबिट होती है कि वो क्या करता है, धोखा दे सकता है किसी को भी कभी भी। तो अगर हमें नेचर या हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार आदमी कभी किसी को क्या नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये उसका क्या है, नेचर है। तो दोनों चीज़ें हो, अगर हमें हैबिट को एक्सप्रेस करना हो या नेचर को एक्सप्रेस करना हो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के हमें हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस करना हो तो हम इजीली कैन के द्वारा बोल सकते हैं। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और कोई भी मॉडल हैबिट और नेचर को एक्सप्रेस नहीं करता, केवल ही केवल कौन सा मॉडल एक्सप्रेस करता है, कैन एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर नेचर बताया जा रहा है, हैबिट बताई जा रही है, हमने इतना पढ़ा। अ डिसेबल पर्सन, उसके बाद हमारा यहाँ बनाया फिल इन द ब्लैंक्स, मान लीजिए कैन लिखा ही नहीं है। अ डिसेबल पर्सन डिसीवस, एक धोखेबाज इंसान धोखा दे सकता है हमें, यही बोला जाएगा, सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आ जाता है, तो कैन का यूज होता है। ये आपने कभी ना कभी क्या होगा, पढ़ा ही होगा। तो अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, एक धोखेबाज इंसान हमें क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है। और यहाँ पे मैं बताया जा रहा ना कि ये हैबिट है, और हैबिट को एक्सप्रेस करना है या किसको एक्सप्रेस करना है, नेचर को एक्सप्रेस करना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन दिए गए हैं बाकी मॉडल्स के, तो हम उन मॉडल्स में से कैन को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और कैन का यूज हम कर देंगे। कैन का यूज हमें करना है क्योंकि हमने पढ़ा है, कैन का यूज करते हैं हैबिट और नेचर बताने के लिए, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं अपन। तो ये थे हमारे किसके यूजेस, कैन के यूजेस, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखे। अब हम अपना दूसरा मॉडल पढ़ेंगे, वो है हमारा कुड, कुड का यूज समझेंगे। कुड क्या है, अपने आप में पास्ट फॉर्म है किसका, कैन का। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है, जैसे कि एजेमआर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है, वैसे कैन का पास्ट क्या है, कुड है। अब कुड का फर्स्ट यूज समझ लेते हैं, कुड का यूज किसके लिए करते हैं, कुड का यूज हम पास्ट फॉर्म के रूप में भी करते हैं, कहां पर, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। अगर हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है तो किसका यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में ना, और कैन का यूज करेंगे डायरेक्ट में, और कुड का यूज करेंगे इनडायरेक्ट में। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या है, नरेशन में, अगर आपने कभी नरेशन चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने सीखा होगा कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दो स्पीच होती हैं। तो हमें डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट से क्या बनाना पड़ता है, इनडायरेक्ट को बनाना पड़ता है, ठीक है, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी बनाना पड़ता है। तो आप याद रखो कि जब भी आपको इनडायरेक्ट की बात करें और वहां पर ऑप्शन दिया गया हो कि कैन लगना है या कोड लगना है, तो आप आराम से क्या लगा सकते हैं, कोड लगा सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कैन रहता है और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखा है, He said, I can beat you.
यहां पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, ही सेड आई कैन बीट यू, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। अब आपने इसका क्या बनाया, इनडायरेक्ट बनाया, तो आप समझो यहां पर किसका यूज किया हमने, कुड का यूज किया, यहां पर आप देख पा रहे होगे कुड लगाया है हमने, ये चीज आपको समझनी है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम कुड का यूज करते हैं। अब आपको नरेशन कि मैं जल्दी एक नई वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते कैसा है। अभी आप इतना समझ लो कि इनडायरेक्ट स्पीच में किसका यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे, और डायरेक्ट स्पीच में हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच हमें कैसे पता चलेगी कि इनडायरेक्ट है, ये सब चीजें मिलेंगी, जैसे कि ही से दैट, है ना, दैट लगा है, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह लगे नहीं होंगे, ठीक है, और पढ़ने पर ऐसा पता चलेगा कि उसने कहा, वह क्या कर सकता है मुझे, वह क्या कर सकता है, उसे हरा सकता है रेस में, ये दैट वगैरह लगा मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप समझ लेना क्या है, वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब सेकेंड यूज समझ लेते हैं हम, कुड का जो यूज सेकेंड है, कुड के यूज सेकेंड में क्या बताया गया है कि कुड का यूज किसके लिए करते हैं, पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। अभी हमने सीखा था कि अगर हमें वर्तमान की एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को एक्सप्रेस करना है तो हम किसके यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन अब हमें चल रहा पता कि अगर हमें कुड के द्वारा भी बतानी है तो हम बता सकते हैं, लेकिन कब की बता सकते हैं, पास्ट की बता सकते हैं। अगर हमें पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को एक्सप्रेस करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर हमें प्रेजेंट की करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, और हमें पास्ट की करना है तो किसका यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं और अंतर समझने की कोशिश करते हैं कि अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है कैन की एबिलिटी पावर और कैपेसिटी में और कुड की एबिलिटी पावर और कैपेसिटी में। एग्जांपल ये हमें खुद चीख चीख कर बताएगा कि कब कुड लगना है और कब कैन लगना है। देखिए कैसे, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वह क्या था, बच्चा था, तब वह क्या कर सकता था, तेज दौड़ सकता था। तो यानी कि आप उस बच्चे यानी कि उसकी क्या बता रहे हो, पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो या कैपेसिटी को बता रहे हो या पावर को बता रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर क्या बताया जा रहा है, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, उसकी ये क्या थी, कैपेसिटी थी कि वो क्या कर सकता था, तेज दौड़ सकता था। कब की कैपेसिटी थी, पास्ट की, जब वो बच्चा था, बच्चा था यानी कि कब की थी, पास्ट की थी, तो पास्ट की थी। तो यहां पर हमें एग्जांपल में सीधा सीधा समझ में आ रहा कि ही वाज अ चाइल्ड लिखा है और ये हमें बता रहा है कि पास्ट की थी। अगर प्रेजेंट की होती तो ये सब नहीं बोला जाता, सिर्फ इतना बोला जाता ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाते, कैन लगाते। लेकिन अभी क्या कर रहा है वो, ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वह बच्चा था तब वह तेज दौड़ सकता था। तो ये कब की उसकी कैपेसिटी हो गई, पास्ट की कैपेसिटी हो गई। एक और एग्जांपल, माय ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, जब मेरा भाई 16 साल का था तब वह क्या कर सकता था, कार चला सकता था। तो ये क्या थी, उसकी पास्ट की एबिलिटी थी कि जब वो 16 साल का था। एक और एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड बीट यू, मैं जब जवान था तो मैं तुम्हें क्या कर सकता था, पीट सकता था। यानी कि ये मेरी कब की एबिलिटी थी या ये मेरे कब का पावर था, जब मैं पास्ट में था। यानी कि आप पास्ट के अपने पावर को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो कुड के द्वारा किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, इस तरीके से किया जाएगा जो एग्जाम्पल्स में बताया गया है। कुछ ना कुछ आपको वो बताएगा पास्ट का, रिलेट करेगा आपको पास्ट के टाइम से। जैसे कि ही वॉज अ चाइल्ड लिखा है, एट द एज ऑफ 16 लिखा है, व्हेन आई वॉज यंग लिखा मिल जाए, फिर बोले कि कैन लगना है कोड लगना है, तो आप कोड लगाओगे। अगर आपको एग्जांपल में समझ में आ रहा कि एबिलिटी कैपेसिटी और पावर को बताया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जैसे कि रन फास्ट लिखा है, ठीक है, ड्राइव अ कार लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी रहेंगी, तो आप समझ जाओगे कि एबिलिटी कैपेसिटी और पावर में से कोई एक चीज़ आई है। तो उनमें से अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ आया है तो हम क्या लगाएंगे, कुड का यूज करेंगे। कब की, पास्ट की, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर प्रेजेंट की होगी तो ये सब थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही बोला जाएगा ही कैन बीट यू, आई कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है क्रिकेट खेलने की, मैंने क्रिकेट खेलना सीखा है। ऐसे अगर आपको पास्ट की बताई जाएगी तो कुछ इस तरीके से बताई जाएगी। थर्ड यू समझ लेते हैं, पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। पास्ट की पॉसिबिलिटी को अगर आपको व्यक्त करना है, ठीक है, कि ये काम होने की क्या थी, संभावना थी पहले, लेकिन अब नहीं है, अब ये काम हो नहीं सकता, अब ये प्रेजेंट में क्या है, अनरियल है, ये एक्शन अब रियलिटी में कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपको बताना है पास्ट की पॉसिबिलिटी को तो आप कैसे बताओगे, ये समझते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा है इफ ही हैड मनी, अगर उसके पास क्या होते, पैसे होते, ही कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सकता, ऐसी संभावनाएं थी कि अगर उसके पास पास्ट में पैसे होते, ठीक है, तो वो क्या कर सकता, पास्ट में ही कार खरीद सकता। लेकिन ना ही पास्ट में पैसे थे और ना ही उसने कार खरीदी। आप सिर्फ क्या बता रहे हो, काल्पनिक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हो
कि ये काम हो सकता था, इस काम के होने की संभावना थी, अगर एक चीज उसके पास होती तब दूसरा काम हो पाता, क्या एक चीज़ होती, अगर उसके पास पैसे होते तो वो कार खरीद सकता, लेकिन पैसे थे ही नहीं तो वो कार भी नहीं खरीद पाया, तो ये कैसी पॉसिबिलिटी हो गई, ये पास्ट की वो पॉसिबिलिटी हो गई जो अब अनरियल है टोटल, वो रियलिटी में कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि वो आप खरीद नहीं सका कार, क्योंकि उसके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर देखिए हेड क्या कर रहा है, हेड हमें बता रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पास्ट की अगर क्या बतानी है, पॉसिबिलिटी को बताना है, तो आप क्या लगाओगे, कोड का यूज करोगे। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ही कोड राइट अ नीट हैंड इफ ही डिजायर्ड, अगर उसकी इच्छा होती तो वो क्या लिख सकता था, उसकी इच्छा होती तो वो क्या कर सकता था, अच्छी राइटिंग से लिख सकता था, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं थी, तो अब वो संभावना थी ऐसी कि वो एक अच्छी हैंडराइटिंग से लिख सकता था, लेकिन उसने लिखा नहीं क्योंकि उसकी क्या नहीं थी, इच्छा ही थी, तो अब वो लिख भी नहीं पाएगा क्योंकि उसने लिखा ही नहीं, पहले ही लिखा, ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है, अगर उसकी इच्छा होती तो वो लिख पाता, तो ये क्या है, पास्ट की पॉसिबिलिटी है। एक और एक अब यहां पर समझ लेते हैं, कुट का फोर्थ यूज, कुट का फोर्थ यूज है कि कुट का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, पोलाइट परमिशन को लेने के लिए भी करते हैं हम, किस फॉर्म में करते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म में करते हैं, जैसे हम कैन का यूज करते थे वैसे हम कुट का यूज करेंगे, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी किसी से, विनम्र विनती करनी है, पोलाइट रिक्वेस्ट समझ लो आप जब आप किसी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हो, कहने का मतलब आपको सामने वाले से वो काम करवाना ही करवाना है, या उस किसी चीज की आपको जरूरत है, आप किसी से वो चीज मांग रहे हो, तो आपको क्या होगी भैया, आपको जरूरत है, आप मांग रहे हो, अति आवश्यकता है आपको, तो आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, आपको विनम्र तरीके से बोलना पड़ेगा, तब सामने वाला वो आपको चीज क्या करेगा, देगा, या आपको कहीं जाना है और आपका जाना क्या है, बेहद ही जरूरी है, तब आप बहुत ही पोलाइटली तरीके से आप सामने वाले से बोलेंगे, तब आपको वो कह देगा, जाने की परमिशन देगा। तो जब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो किसी से, बहुत ही विनम्र विनती करनी हो, तो आप क्या लगाओगे, कुट का यूज करोगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कुट का, और ये पेपर में कईयों बार पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी मदद करोगे, और आपने प्लीज भी लगा दिया, ये प्लीज आपको बता रहा है कि आप बहुत ही पोलाइट तरीके से क्या कर रहे हो, सामने वाले से बोल रहे हो कि आप उसकी मदद करोगे, आपको अगर सामने वाले से मदद मांगनी है तो आपको पोलाइटली ही बोलना पड़ेगा, आप पोलाइटली नहीं बोलोगे तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो कि आप हेल्प मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, हेल्प। अब यहाँ पर हेल्प अगर आपको मांगना है तो आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, ये हेल्प वर्ड ही हमें बता रहा है कि आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, पोलाइटली आप बोलोगे तभी सामने वाला क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा, विनम्र तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर पोलाइटली आपको बोलना है तो आपको को लगाकर बोलना पड़ेगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो कुड यू हेल्प हर प्लीज, आप ऐसे समझ सकते हो, प्लीज वगैरह अगर लगा मिल जाए तो 100% क्या लगेगा, कोड लगेगा, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो। एक और है, कुड आई स्मोक हेयर, आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर स्मोक करना है, अब आप धूम्रपान करना चाहते हो तो आपको पोलाइटली तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना बोलोगे मुझे स्मोक करना है यहाँ पर, ऐसा नहीं बोल सकते, आपको बोलना पड़ेगा क्या मैं यहाँ पर स्मोक कर सकता हूँ, पोलाइटली बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको स्मोकिंग करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 डेज, आपको 2 दिन के लिए किसी की नोटबुक उधार लेनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, कोई अपनी नोटबुक को ऐसे ही नहीं दे देगा आपको, ठीक है, आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा, तब आपको क्या देगा, वो अपनी नोटबुक उधार देगा। यहाँ पे बोरो बता रहा है, मैं बोरो बता रहा है क्या लेना है आपको, कुड के द्वारा ही आपको क्या लेना पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, या परमिशन से अच्छा आप इसको समझो कि आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुड के यूजेस। और आगे हम समझते हैं, अब हमारा नेक्स्ट मॉडल है मे का यूज कब करते हैं, मे का यूज हम करते हैं परमिशन के लिए। पहला यूज तो क्या है, फॉर्मल परमिशन के लिए लेते हैं। फॉर्मल परमिशन से क्या मतलब है, मैंने आपको भी बताया कि इनफॉर्मल के लिए किसका यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं, और फॉर्मल से मतलब है जहां पर परमिशन लेना कंपलसरी हो, बिना परमिशन के वो आपको काम करने को ना मिले, तब ऐसी कंडीशन में क्या का यूज करेंगे, हम मे का यूज करेंगे। कैसे, जैसे कि आपको अगर आप आना है अंदर और आपके रूम में बैठे हैं सर, आपको क्लास में अंदर आना है, मान लीजिए आप स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, आपको क्लास में अंदर आना है तो आपको परमिशन लेके ही आना पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या बैठे हैं, सर बैठे हैं, तो सर मैडम या
बॉस वगैरह कोई भी सम्मान सूचक शब्द लगे हुए हों तो आपको किसका यूज करना है, परमिशन लेने के लिए आपको मे का यूज करना है, ना कि कैन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि आपकी इच्छा है परमिशन लेने की या नहीं लेने की, आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, मे आई कम इन सर, मैडम, ये आपने कई बार सुना होगा स्कूल में, आप बचपन से बोलते आओ, जब भी आपको कहीं पर भी, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हो, लेकिन आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं या आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपको बिना परमिशन के अंदर आने को मिलेगा नहीं, आपको परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मल प्लेस है, फॉर्मल प्लेस में आपको फॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे आप फॉर्मल प्लेस में फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हो। ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपको फॉर्मल कपड़े क्यों पहनने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस वहां पर क्या होती है, कंपलसरी होती है, आप इनफॉर्मल कपड़े पहन के नहीं जा सकते वहां पे। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल लिखा है, मे वी प्ले हेयर, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, मान लीजिए आपको किसी के घर में खेलना है जाके, या आपको ग्राउंड में खेलना है, तो ग्राउंड का जो चौकीदार है उससे तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी कि आप बैट बल्ला लेके चले गए, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, नहीं लेते हैं परमिशन कई लोग, लेकिन परमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो एक क्या है, फॉर्मल प्लेस है, आपको कहीं पर भी क्रिकेट खेलना है, किसी के घर के बाहर क्रिकेट खेलना है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ना कि आप बैट बल्ला उठा के चले गए और क्रिकेट खेलने लगे, ऐसा नहीं। तो ऐसे समझ लो कि वी मे प्ले हेयर, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, मे लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि वी प्ले हेयर, क्या मैं, अब ये तो पता चल रहा कि क्या का यूज होना है, ऑप्शन में दिया गया है मे लगना है या क्या लगना है, कैसे पता चलेगा कि मे लगाना है, ऐसे पता चलेगा कि ऑप्शंस में दिया होगा कि कैन लगना है या मे लगना है या कोड लगना है, तो आप एग्जांपल पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर परमिशन फॉर्मल तरीके से ली जानी है, तो आप क्या लगाओगे, मे का यूज करोगे। थर्ड यू समझ लेते हैं, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, मे सी लिव विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ रह सकती है। अब मान लीजिए आपको किसी के साथ किसी को रखना है तो उससे परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है परमिशन लेना। मान लीजिए मुझे आपके घर में अपने फ्रेंड को रखना है एक या दो दिन के लिए, तो क्या मैं बिना परमिशन के रख दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि परमिशन लेना क्या है, कंपलसरी, मुझे अपने फ्रेंड को आपके यहाँ रखना है तो परमिशन लेना क्या है, मेरे लिए अनिवार्य है। तो जब परमिशन लेना अनिवार्य हो, कंपलसरी हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मे का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में होगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होगा, इंटरोगेटिव होगा, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स बना होगा, उसके बाद सेंटेंस का क्या दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, ऐसे समझ सकते हो। सेकेंड यूज देख लेते हैं मे का सेकेंड यूज है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, लेकिन कैन की अपेक्षा कम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अगर कैन के द्वारा भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कैन से कम पॉसिबिलिटी के लिए, जब संभावना किसी काम के होने की क्या हो, कम हो, तो किसका यूज करेंगे, हम मे का यूज करेंगे, किसकी अपेक्षा, कैन की अपेक्षा। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, इट मे रेन इन द इवनिंग, अब देखिए बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, पॉसिबिलिटी अपने आप में एक ऐसी चीज है जो होना या ना होना, उस काम के होने की संभावना बस आप व्यक्त कर रहे हो, होना ना या होना ये तो बताएगा बात का टाइम ही, जो आने वाला है समय, यानी कि जो फ्यूचर है वो ही बताएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसी काम के होने की, तो आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि काम के होने की संभावना बेहद ही कम है, ठीक है, कैन की अपेक्षा कम है, तो आप किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। ठीक है, और हम कुछ के द्वारा तो उन पॉसिबिलिटीज को बताते हैं जो पास्ट में हो सकती थी लेकिन वो हो नहीं पाई। ठीक है, पास्ट में किसी काम के होने की संभावना थी लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं पाई, तो किसका यूज करेंगे, हम कुट का यूज करेंगे, और मे का यूज हम उन पॉसिबिलिटीज के लिए करेंगे जिन काम के होने की संभावना क्या है, कम है, किसके अपेक्षा, कैन के अपेक्षा। अब मान लीजिए बारिश की बात हो रही है यहाँ पर, इट मे रेन इन द इवनिंग, अब कई बार ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है लेकिन वो होती नहीं है, तो क्या लगाओगे आप, मे लगाओगे, क्योंकि ये कैन की अपेक्षा क्या है, कम पॉसिबिलिटी है। एक और एग्जांपल, द न्यूज़ मे बी ट्रू, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है टीवी में, बहुत सारी न्यूज़ क्या रहती है, फेक रहती है, लेकिन अपन को लगता है कि ये शायद क्या हो सकती है, सही हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल में क्या लगेगा, इस एग्जाम्पल में मे का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट यूज है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी से क्या मतलब है, तथात्मक संभावना को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, इट इज़ क्लाउडी, इट मे रेन टुडे, ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है ऊपर वाले से, जो अभी आपने पढ़ा ना पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मान लो बादल छाए हुए हैं आपको दिख रहे हैं, तो आपने खुद बोला इट इज़ क्लाउडी, आज क्या है, आज मौसम बादलों से घिरा हुआ है, आज का मौसम क्या है, बहुत ही क्लाउडी है, तो आप कह सकते हो कि बारिश हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो गया। आप ऐसे नहीं बोले, आपने कुछ तथ्य पेश किए, तथ्य से मतलब क्या है, आपने कुछ एविडेंस रखे हैं, देखिए बादल छाए हुए हैं, आप बोले बादल छाए हुए हैं बारिश हो सकती है, ऐसे नहीं आप बैठे बैठे बोल रहे हो कि आप कुछ भी तथ्य नहीं दे रहे हो सामने वाले को, कोई भी तथ्य आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर, तो आपने बोल दिया कि बादल आप बारिश हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा,
वो थोड़ा कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन आप तथात्मक तरीके से, फैक्चुअल तरीके से, फैक्ट के साथ कोई पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हो तब भी आप क्या लगा सकते हो, मे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि द ग्राउंड इज स्लिपरी, द ग्राउंड इज स्लिपरी, द मैच मे बी डिलेड। ग्राउंड बहुत क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो गई है जिस वजह से क्या कर रहा है, ग्राउंड जो है वो ग्राउंड बहुत ही क्या करने लगा, स्लिप करने लगा, तो क्या हो सकता है, मैच डिले हो सकता है। कैसे खेला जाएगा उस ग्राउंड में मैच जहाँ पर ग्राउंड बहुत ही क्या कर रहा हो, स्लिप कर रहा हो, ठीक है, चलने में भी मुश्किल हो, तो दौड़ कैसे पाओगे ग्राउंड में, तो ऐसे समझ सकते हो। आप कुछ तथ्य पेश कर रहे हो, कुछ फैक्ट पेश कर रहे हो, उसके बाद आप उस पॉसिबिलिटी को बता रहे हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, मे का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस था, किसके यूजेस थे, ये सारे यूजेस थे मे के। और समझ लेते हैं, फोर्थ यूज है पर्पस, यानी कि उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है यू अर्न सो दैट यू मे ईट वेल, तुम कमाते हो सो तुम क्या कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो। आप बता रहे हो यहाँ पर उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, अच्छा खाना, इसलिए क्या कर रहे हो, कमा रहे हो आप, उद्देश्य है अच्छा खाना, ठीक है, आप अच्छा खा सकते हैं, ये उद्देश्य है आपका, तो आप बता रहे हो यहाँ पे कि यू अर्न, इसलिए आप क्या करते हो, कमाते हो, ठीक है, इसी रीजन से आप, इसी पर्पज से आप क्या कर रहे हो, अच्छा कमाते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे सक्सेस, वह अधिक मेहनत करती है क्योंकि उद्देश्य क्या है उसका, सक्सेस होना है, इसलिए इसी उद्देश्य के कारण वो क्या करती है, अधिक मेहनत करती है। तो आपको जब पर्पस बताना हो, सो दैट हमेशा किसको शो करता है, आप याद रखो सो दैट जो होता है कंजक्शन वो हमेशा किसको शो करता है, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है सो दैट का। तो सो दैट मिल जाए लगा तो आप क्या कर रहे हो, पर्पस ही बता रहे हो, ठीक है। सी वर्क्स हार्ड, वो अत्यधिक मेहनत करती है क्योंकि उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहां पर लिखा है, उद्देश्य में ही आपको किसका यूज करना है, मे का, उद्देश्य ये है सी में सक्सेस, और यहां पर क्या है, यू में ईट वेल, आपका उद्देश्य क्या है कि आप अच्छा खा सको, इसलिए आप क्या करते हो, कमाते हो, आप कमाते हो ताकि आप क्या कर सको, अच्छा खाना खा सको, आप अच्छा खाना खा सको, यही उद्देश्य है आपका। तो आपको उद्देश्य बताना हो, सो डैट वगैरह लगाओ तब भी क्या लगेगा, मे ही लगेगा, उद्देश्य में लगेगा, इतना याद रखना है, पर्पज में लगेगा। पर्पज क्या है, यू में ईट वेल, और पर्पज क्या है, सी में सक्सेस, ये दोनों पर्पज है, तो यहीं पर किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, ठीक है। और समझ लेते हैं मे का जो फिफ्थ नंबर का यूज है, मे का यूज इच्छा या प्रेयर, यानी कि प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में की जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में से क्या मतलब है, मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं और बच्चों ने आपके एकदम से क्या छुए, एग्जाम देने से पहले पैर छुए, तो आप उनके लिए क्या करोगे, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे भगवान से कि उनका एग्जाम अच्छा जाए। या आप कह सकते हो कि मे सी गेट अ गुड, मे सी यहाँ पे पार्टनर लिखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, मार्क्स भी लिख सकते हो, मे सी गुड गेट अ गुड मार्क, वो क्या करे, अच्छे नंबर पाए, या तुम अच्छे नंबर पाओ, ये क्या है, अपने आप में भगवान से की हुई प्रार्थना है या प्रेयर है। तो आपको अगर विश को एक्सप्रेस करना है, ब्लेसिंग्स देनी है किसी को, तो आप मे के द्वारा दे सकते हो, ठीक है। प्रेयर करनी है किसी के लिए तो आप मे के द्वारा कर सकते हो। किस रूप में करनी पड़ेगी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी को समझ लेते हैं, जो एकदम से भाव निकले, एकदम से उत्पन्न हो, उस भाव को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। विश में आदि बोधक सेंटेंस के रूप में यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। ये साइन भी मिलेगा आपको, मोस्टली मिल सकता है साइन, अगर इस साइन का एग्जांपल आता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं इंग्लिश में से हम। एकदम से कोई भाव उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में हम उसे कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑसम, वेल डन। आपके किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे नंबर पाए हैं टेस्ट में, आपने टेस्ट लिया है, आप एक टीचर हो तो आपने उसको शाबाशी दी, वेल डन, तो आपने देखा होगा वेल डन वर्ड जब भी मिलता है तो एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर मिलता है, ये वाला चिन्ह जरूर मिलता है, जो आपको बताया गया कि ये वाला चिन्ह क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन कहलाता है, ठीक है। यहां पर आप इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस मत समझना कि मे का यूज सबसे पहले हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, नो, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये इसी तरीके से बोले जाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, या मे गॉड ब्लेस यू विद अ सन, मे सी गेट गुड पार्टनर, या मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु क्या हो, लंबी हो। तो आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, प्रार्थना ही तो कर रहे हो, ठीक है, विश हो, प्रार्थना हो, ब्लेसिंग से, तो आप किसके यूज करोगे, मे का यूज करोगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूप में। नोट यहाँ पे दिया है, इस सीकिंग और ग्रेटिंग परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए हम किसके यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, कैन की तुलना में अधिक औपचारिक होता है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि फॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, इनफॉर्मल परमिशन के लिए किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे मे के सारे यूजेज जो हमने बहुत ही आसान तरीके से समझे। अब हम चलेंगे अगले मॉडल की ओर। अगला मॉडल है हमारा माइट।
माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे. माइट क्या है? पास्ट टेंस है. जैसे कैन का पास्ट क्या था? कुड था. कुड अपने आप में किसका पास्ट था? कैन का पास्ट था. तो वैसे ही मे जो है वो मे का जो पास्ट फॉर्म है मॉडर्न में वो क्या है? माइट है. तो माइट अपने आप में किसका पास्ट हुआ? मे का पास्ट हुआ. कहने का मतलब घुमा फिरा के मैं एक ही बात करूं कि आप चाहे ऐसा समझ लो कि मे का पास्ट क्या है? माइट है, या माइट क्या है? मे का पास्ट है. ठीक है, तो माइट क्या है? माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे. यूज फर्स्ट समझ लेते हैं. माइट का यूज मे के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है. जैसे कि कुड का यूज होता था इनडायरेक्ट स्पीच में, वैसे ही किसका यूज होगा? माइट का यूज होगा. एग्जांपल देख लेते हैं. ही सेड, यहां पर एक डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है, ही सेड यू मे गो नाउ. उसने कहा कि तुम जा सकते हो. अब लेकिन इसका अगर हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो क्या बनेगा? ही सेड दैट आई माइट गो देन. नाउ का हो गया देन, और मे का क्या हो गया? माइट. और यू का क्या हो गया? आई. ये यू का आई कैसे हुआ, ये सीखने के लिए आपको नरेशन चैप्टर को सीखना पड़ेगा. अभी आप इतना समझ लो कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं और ऑप्शन में बोला जाए, इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा हो, जैसे कि ये लिखा हो ही से दैट डैट वगैरह लिखा हो, ठीक है, कंजक्शन वगैरह यूज हुआ हो, तो आप समझ लेना कि वो क्या है, अपने आप में इनडायरेक्ट सेंटेंस है. ठीक है, तो आपको याद रखना कि अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो वहां क्या होगा? माइट लगेगा. अगर वहां बोला गया है कि मे लगना है या माइट लगना है, तो आप क्या लगाओगे? माइट का यूज करोगे, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में किसका यूज होता है? माइट का यूज होता है. और डायरेक्ट सेंटेंस में किसका यूज होता है? मे का यूज होता है. एक और एग्जांपल लिखा है यहां पर, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग. देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना कि मे का यूज आप क्या करने के लिए करते हो? प्रार्थना करने के लिए करते हो, ठीक है, या ब्लेसिंग्स देने के लिए करते हो, इन सभी चीजों के लिए, विश करने के लिए भी करते हो. तो देखिए यहां पर मे लगा है, लेकिन इसी का इनडायरेक्ट बना है तो क्या लगा है? माइट लगा है. ही सेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग. आई माइट लिव लॉन्ग से ही पता चल जाएगा कि यहां पर क्या की गई थी, पहले प्रार्थना की गई थी, इसी को दोबारा बोला जा रहा है, ठीक है, किसी और से. ठीक है, उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरी आयु क्या हो? लंबी हो. तो कहीं ना कहीं उसने मेरे लिए प्रार्थना की होगी, प्रार्थना की गई होगी मेरी आयु लंबी हो. तो यहां पर वो वाला रूल काम कर रहा जो मे में आया था, कि मे का यूज किसके लिए करते हैं? हम प्रार्थना के लिए करते हैं, विश के लिए करते हैं, या ब्लेसिंग्स देने के लिए करते हैं. ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे, अगर ऑप्शन में मे और माइट ऑप्शन में आया है तो. ठीक है, तो ये मे का, माइट का क्या था? फर्स्ट यूज था. अब सेकंड यूज देख लेते हैं. पास्ट टेंस में पर्पस, उद्देश्य, उद्देश्य को, पास्ट टेंस में पर्पस या उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, क्या आप पास्ट का बताना चाहते हो? पास्ट का पर्पस बताने के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं? माइट का. लेकिन प्रेजेंट का अगर आपको पर्पस बताना है तो किसका यूज करोगे? मे का. जैसे कि सी वर्कड हार्ड, सी वर्क हार्ड, वो अत्यधिक मेहनत करती है जिससे वो क्या हो सके, आगे जाके क्या हो सके, सक्सेस हो सके. सो दैट ही मे सी में सक्सेस. यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पर्पस बताने के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू अर्न सो दैट यू मे ईट वेल, वह कमाती है ताकि वह क्या कर सके, अच्छा खा सके. ठीक है, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे सक्सेस, वह अत्यधिक प्रयास करती है, अत्यधिक मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है ताकि वह क्या कर सके, सक्सेस हो सके. तो ये क्या है? प्रेजेंट का है. वर्तमान में ही वो अधिक मेहनत करती है जिससे वो क्या हो सके, वर्तमान में ही क्या या फ्यूचर में हो सके क्या, सक्सेस. लेकिन आप क्या करना चाहते हो, अगर आप पास्ट का बताना चाहते हो, सी वर्कड हार्ड, यहां पर पता चल रहा पास्ट का है, वर्कड लिखा है सेकेंड फॉर्म लिखा, सी वर्कड हार्ड, उसने अत्यधिक मेहनत की ताकि वो क्या हो सके, फर्स्ट आ सके. एक और एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ दौड़ी ताकि वो क्या हो सके, ताकि वह चोर को पकड़ सके. ठीक है, वह तेज दौड़ा ताकि वह क्या कर सके, चोर को पकड़ सके. ठीक है, तो ये क्या था, उसका पर्पस था, कि पर्पस क्या था, चोर को पकड़ना, इसलिए उसने क्या दौड़ा, तेज दौड़ा. तो ये कब का पर्पस था? पास्ट का पर्पस था. पास्ट का पर्पस एक्सप्रेस करना हो तो किसका यूज करोगे? माइट का यूज करोगे. प्रेजेंट का पर्पस एक्सप्रेस करना हो तो आप किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे. इतना आपको याद रखना है. अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा विल. विल को समझ लेते हैं, विल का यूज देख लेते हैं. विल का यूज क्या करते हैं हम? सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, यानी कि यू, ही, सी, इट और दे. सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, सी, इट नेम और यू या योर कौन से पर्सन होते हैं? सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, जिसमें से यू और योर सेकेंड पर्सन होता है. ही, सी, इट नेम, दे कौन से पर्सन होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं. इतना आपको याद रखना है. ठीक है,
सेकेंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस को व्यक्त करना है, यानी कि हमें अपने इवेंट को बताना है, फ्यूचर की इवेंट को बताना है, फ्यूचर के प्रोग्राम्स को बताना है, फ्यूचर के आइडियाज जो हमने प्लान्स बनाए हैं अपने प्रेजेंट में उनको एक्सप्रेस करना है, तो हम सेकेंड पर्सन यानी कि ही सी इट नेम और थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन कौन से हमारे ही सी इट नेम और सेकेंड पर्सन कौन से हमारे यू योर, तो हमें इनके साथ क्या लगाना है, विल का यूज करना है। इतना आपको याद रखना है, ये हमने टेंसेज में भी सीखा है कि ही सी इट नेम दे यू के साथ क्या लगाते हैं, हम विल लगाते हैं, और आई और वीवर्स के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। तो ये वही यूज है अगर हमें फ्यूचर को एक्सप्रेस करना है, जो हम प्रेजेंट में सोच रहे हैं कि हमें आगे करना है काम, उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, किसके साथ, ही सी इट नेम और दे यू के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखा है ही विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स पाएगी, ये उसका क्या है, प्लान है कि वो प्रयास कर रही है अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्लान को सक्सेस करने के लिए, सफलता पाने के लिए उसमें वो क्या कर रही है, वो प्रयास कर रही है, तो आप बता रहे हो कि वह अच्छे मार्क्स पाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, वे क्या खेलेंगे, मैच खेलेंगे, उनने प्रोग्राम डिसाइड किया है, मैच खेलने का प्रोग्राम बनाया है कि वे क्या करेंगे, मैच खेलेंगे, तो यहाँ में समझ में आ रहा शाम को खेलेंगे मैच, तो ये क्या हो सकता है, उनका प्रोग्राम हो सकता है, तो प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे हम, विल लगाएंगे क्योंकि दे दिया है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें इसके सेकेंड यूज में, तो सेकेंड यूज में बोला गया फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता या प्रॉमिस या विलिंगनेस को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम विल का यूज करते हैं। सेकंड पर्सन नहीं, ना ही थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ। अगर आपको कभी इच्छा बतानी है अपनी कि मेरी इच्छा है कि मैं ये काम करूंगा, या आपको क्या बताना है, अपनी पर्सन को बताना है, आपको प्रोमिसिस को बताना है, तो आप क्या लगाओगे, विल का यूज करोगे, किसके साथ, सेकंड पर्सन नहीं, ना ही थर्ड पर्सन, ये चीज दिमाग से निकाल देनी है, आपको करना है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ। यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं रूल्स के जो हमने पढ़े हैं अभी तक टेंसेस में, कि हम आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, यहाँ पर आई और वी के साथ विल लगने लगता है जब आपको क्या बताना हो, प्रोमिसज बताने हो या आपको बतानी हो अपनी इच्छाएं, ठीक है, विलिंगनेस बताना हो। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है I will help you in your career, मैं तुम्हारे करियर में तुम्हारी क्या करूँगा, मदद करूँगा। आप किसी की मदद क्यों करोगे, आपकी इच्छा होगी उसकी मदद करने की, तभी ना आप उसकी मदद करोगे सामने वाले व्यक्ति की, तो ऐसे समझो I will help you in your career, मैं तुम्हारी करियर में क्या करूँगा, मदद करूँगा, क्योंकि मेरी क्या है, ये इच्छा है। ठीक, कोई इच्छा को एक्सप्रेस करना है तो आप आई के साथ क्या लगाओगे, विल लगाओगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल लिखा है वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन, उनने वचन दिया, किसने दिया वचन, वी ने दिया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप। यूज थर्ड क्या है, यूज थर्ड में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प बताना हो या थ्रेट को एक्सप्रेस करना हो, धमकी को एक्सप्रेस करना हो, तो हम आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे जब हमें धमकियों को एक्सप्रेस करना हो, ठीक है, या हमें क्या करना हो, डिटर्मिनेशन बताना हो अपना, तब। अब देख लेते कैसे, जैसे कि लिखा है आई विल टीच हिम अ लेसन, ठीक है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, सीख दूंगा, मैं तुम्हें सीख दूंगा से मतलब मैं तुम्हें सीख दूंगा, जो तुमने काम किया उसकी तुम्हें दंड मिलेगा या तुम्हें सीख मिलेगी। तो यहां पर आप क्या दे रहे हो, सामने वाले को धमकी दे रहे हो। ऐसा लिख सकते हैं आई विल बीट यू, मैं तुम्हें क्या दूंगा, पीटूंगा। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सब क्या है, धमकियां ही तो है। तो आई के साथ या वी के साथ आपको क्या करना है, विल लगाना है। मान लीजिए आप दो चार दोस्त हो, आपकी लड़ाई हो गई, आप लड़ाई करने के लिए गए, तो आपने बोला वी विल किल यू, हम तुम लोगों का कर देंगे, मार डालेंगे, तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को धमकी दे रहे हो। तो आपको जब धमकी देनी हो, किसको, आपको, यानी कि मैं सब्जेक्ट हो अपने आप में, और क्या सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, तो विल लगाएंगे अगर आपको धमकी देनी है सामने वाले को, तो सेल का यूज नहीं करेंगे। यही इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने सीखा था टेंसेज में कि आई और वी के साथ सेल लगाते, लेकिन यहां पर सीख रहे हैं आई और वी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है। कब लगाना है विल, ये इंपॉर्टेंट है, जब आपको धमकी देनी हो सामने वाले को, या आपको अपना डिटरमिनेशन बताना हो, या आपको अपनी इच्छा बतानी हो, या आपको किसी से प्रॉमिस करना हो, तब, ठीक है, तब आपको क्या लगाना है, आई और वी के साथ विल लगाना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यहां लिखा है आई विल फाइंड आउट द ट्रुथ एट ऑल कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर सत्य को ढूंढूंगा, ठीक है, फाइंड करूंगा। आप क्या कर रहे हो, अपना दृढ़ निश्चय बता रहे हो, यहाँ पर आपने एक दृढ़ निश्चय किया है, आपने एक डिटर्मिनेशन सामने वाले के सामने अपना एक्सप्रेस किया है कि मैं क्या करूँगा, किसी भी कीमत पर सत्य को खोज कर निकालूंगा, सत्य क्या है, सच क्या है, ये ढूंढूंगा मैं। तो आप क्या कर रहे हो, सामने वाले से अपना डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हो। ये थे विल के यूजेस जो हमने समझे, ठीक है।
और आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या हमारा सेल है, सेल का यूज समझ लेते हैं। सेल का यूज कब करना है, सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करना है। फर्स्ट यूज क्या लिखा है, सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करना है। अगर हमें क्या बताना है, फ्यूचर का कोई इवेंट बताना है, प्रोग्राम बताना है, या हमने प्रेजेंट में कोई क्या बनाया है, प्लान बनाया है, प्लान को एक्सप्रेस करना है, कोई प्रोग्राम बनाया है उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी जो होते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। एकदम अपोजिट चल रहा है ये, किसके अपोजिट चल रहा है, विल के अपोजिट चल रहा है, ठीक है। और पहला जो यूज है वो बिल्कुल टेंस के जैसे है, जैसे टेंस में सीखा था हमने आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है जैसे कि एग्जाम्पल का, आई सेल सी हिम नेक्स्ट वीक, मैं अगले महीने तुमसे क्या करूंगा, मिलूंगा। ये क्या है, एक प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम है। यहाँ पर सब्जेक्ट में आई आए तो आप कह सकते हो मेरा प्रोग्राम है, मैं अगले महीने क्या मिलूंगा, अगले महीने तुमसे मिलूंगा। तो ये आप क्या बता रहे हो, प्रोग्राम को बता रहे हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब सेकेंड यूज समझिए, सेकेंड यूज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन मैं दूसरे की इच्छा जानने के लिए भी हम कर देते हैं सेल का यूज, जैसे कि सेल का यूज यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के साथ क्या कर सकते हैं, दूसरे की इच्छाओं को जानना है, दूसरों के क्या इच्छाएं उनको जानना है। तो जैसे कि एग्जांपल में लिखा है सेल आई फेच अ डॉक्टर, एक और एग्जांपल लिखा है सेल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना सकता हूं, ठीक है। आप सामने वाले की इच्छा जानोगे, सामने वाला अपनी इच्छा बताएगा हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, आंसर में देगा वो रिप्लाई, या वो ऐसा कह सकता है कि नहीं बनाइए कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी इच्छा को अगर आपको जानना है तो आप यूज कर सकते हो किसका, सेल का, लेकिन आपको किस फॉर्म में करना पड़ेगा, इंटरोगेटिव फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है, इतना याद रखना है। थर्ड यू समझ लेते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यानी कि यू ही सी इट दे के साथ आदेश यानी कि कमांड, वचन यानी कि प्रॉमिस, थ्रेट यानी कि धमकी, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प को व्यक्त करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे इन सभी सब्जेक्ट के साथ। आई वी के साथ नहीं होगा सेल का यूज, आई वी के साथ जब होगा, जब आपको क्या बताना है, सिर्फ फ्यूचर का कोई इवेंट बताना है, प्रेजेंट में कोई आपने प्लान बताया उसको एक्सप्रेस करना है, या कोई प्रोग्राम बताना है, तो करोगे आप आई और वी के साथ सेल का यूज। लेकिन आपको दृढ़ संकल्प बताना है, तो कहने का मतलब आपको अगर ही का, सी का, इट का, इट तो होएगा नहीं, ही सी दे का, यू का, या इन सभी का किसी का नेम है, इनका अगर आपको क्या बताना है, कमांड बतानी है, इनकी इनके इनको इनके कमांड को एक्सप्रेस करना है, डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करना है, थ्रेट को एक्सप्रेस करना है, तो आप क्या यूज करोगे, सेल का यूज करोगे। जैसे कि एग्जांपल लिखा है यू सेल सी डू इट, ठीक है, यू आई से सी सेल डू इट, मैंने कहा कि वह यह काम करेगी, ये अपने आप में क्या है, कमांड है। अब एक्सप्रेस करोगे मैंने उससे कहा कि वह यह काम करेगी, तो आपने उद्देश्य अपने अपने कमांड को बताया, अपने आपने किसको बताया, आदेश को बताया कि मैंने उसको ये आदेश दिया। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यू सेल गेट अ कैमरा इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, यहाँ पर आप अपने प्रॉमिस को बता रहे हो, प्रॉमिस आप किस तरीके से करोगे, ऐसे करोगे, यू सेल गेट अ कैमरा, तुम्हें एक कैमरा मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस क्या है, ये है प्रॉमिस कि तुम्हें क्या मिलेगा, एक कैमरा मिलेगा। अगर तुम क्या करते हो, क्लास में फर्स्ट आते हो, फर्स्ट रैंक पे आती हो तुम्हारी, तुम्हें क्या दिया जाएगा, कैमरा दिया जाएगा। कई बार हमारे फादर या हमारी मदर हमसे क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, या हमारे ब्रदर, ठीक है, या हमारे जो एल्डर ब्रदर हैं या एल्डर सिस्टर, वो हमसे प्रॉमिस करती हैं इस तरीके के, ठीक है, किससे प्रॉमिस करती हैं, हमसे प्रॉमिस करती हैं। हम उनके लिए क्या होंगे, जब हम उनके सामने खड़े होंगे तो हम उनके लिए यू होंगे, तो वो यू लगा कर बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं यू का ही तो बताया जा रहा कि यू से क्या प्रॉमिस किया गया, ठीक है, यू से क्या प्रॉमिस किया गया, ये एक्सप्रेस करना है। तो इस तरीके से करोगे आप, क्या लगाकर, सेल लगाकर, ठीक है। ही सेल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसे क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा उसके रूड बिहेवियर के लिए। यहाँ पर धमकी दी जा रही है, धमकी कौन दे रहा है, आई और वी ही दे रहा है, लेकिन धमकी किसको दी जा रही है, यू को दी जा रही है, ठीक है, या ही को दी जा रही है, या सी को दी जा रही है, या कोई नेम आ गया, ठीक है, कोई व्यक्ति आ गया उसको दी जा रही है। तो उनकी धमकियों को शो करना है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की धमकियों को शो करना है, तो आप क्या लगाओगे, सेल लगाओगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू सेल अपोलोजाइज फॉर योर मिसशीप, तुम्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, ठीक है, तुम्हें अपनी गलती के लिए क्या मांगनी पड़ेगी, क्षमा मांगनी पड़ेगी। ये मेरे द्वारा दिया गया क्या हो सकता है, आदेश हो सकता है, कमांड हो सकती है। तो ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमें कमांड को एक्सप्रेस करना है, प्रॉमिस को एक्सप्रेस करना है, थ्रेट को एक्सप्रेस करना है, किन की, सेकेंड और थर्ड पर्सन की, तो हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। और अगर हमें अपनी यानी कि आई और वी की चीज़ों को एक्सप्रेस करना है, जैसे कमांड हो गया, प्रॉमिस हो गया, थ्रेट हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ये मैंने आपको विल बताया है। तो ये थे किसके यूजेस, सेल के यूजेस। अब हम चलते हैं
वुड के यूजेस में, वुड का फर्स्ट यूज समझ लेते हैं। वुड अपने आप में क्या है, वुड है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट क्या होता है वुड होता है, और सेल का पास्ट क्या होता है सुड होता है, ये अभी हमें आगे पता चलेगा। अभी किसका पास्ट है, विल का पास्ट क्या है वुड है। वुड का यूज भी वैसे ही होगा जैसे कि कैन, जैसे कि कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता था कुड होता था। इनडायरेक्ट स्पीच में किसका यूज करते थे, कुड का यूज करते थे। वैसे ही अगर विल के पास्ट को देखें हम, तो विल का पास्ट फॉर्म कहाँ यूज होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या लगेगा, वुड लगेगा। यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ है, ही सेड दैट ही वुड आल्सो कैच फिश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इनडायरेक्ट है, अपने आप में क्या है, ये इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में हम क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, और डायरेक्ट में क्या लगा होगा, विल लगा होगा। एक और एग्जाम्पल, आई टोल्ड हिम दैट I would visit the house। यहाँ पर भी क्या है, ये indirect है, तो indirect स्पीच में क्या लगता है, would लगता है। अगर ऑप्शन में दिया गया हो कि, अगर मान लो ऑप्शन में दिया है indirect स्पीच दी है और पूछा गया है कि would लगना है या will लगना है, तो हम indirect में क्या लगाएंगे, would लगाएंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड यूज समझ लेते हैं इसका। सेकेंड यूज क्या है, पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें पास्ट की हैबिट बतानी हो, पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, आगे जाके हमें भी पता चलेगा, लेकिन हम वुड का यूज भी करते हैं, इतना याद रखना है आपको। ही वुड गो टू टेम्पल एट सनराइज। ठीक है, सनराइज में वो सुबह सुबह जब सनराइज होता था तब उसकी क्या आदत थी, मंदिर जाने की आदत थी। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि उसकी मंदिर जाने की आदत थी सनराइज के टाइम पर, जब सूरज क्या होता था, उगता था। ठीक है, एक और एग्जांपल, ही इन विंटर ही वुड गो टू बेड अर्ली। वह विंटर में क्या सोता था, जल्दी सो जाता था, यानी कि जल्दी बेड में चला जाता था, जल्दी सो जाता था। ठीक है, तो ये क्या थी, सब पास्ट की हैबिट थी। एक और यूज समझ लेते हैं, वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। समझ लीजिए, जैसे कुड का यूज किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए जैसे कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, वैसे ही वुड का यूज भी पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कुड का कर सकते हैं, वैसे ही वुड का कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल समझ लेते हैं, वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। एक और एग्जांपल, वुड यू लैंड मी योर स्कूटर, क्या मुझे आप अपना स्कूटर उधार दे सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर किसी का स्कूटर मांग रहे हो या किसी से पैसे मांग रहे हो, तो आपको पोलाइटली बोलना पड़ेगा। तो पोलाइटली बोलने के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं और वुड का भी यूज करते हैं, याद रखना, आपको इंटरोगेटिव फॉर्म में करते हैं। देखिए आपको दोनों सेंटेंस क्या दिख रहे हैं, इंटरोगेटिव दिख रहे हैं। थर्ड यूज समझ, फोर्थ यूज समझ लेते हैं। फोर्थ यूज क्या है, अनरियल कंडीशंस, असंभव स्थिति को व्यक्त करने के लिए भी क्या करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं। बिल्कुल जो चीज हो ही नहीं सकती, असंभव है, ऐसी चीजों का एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है, वुड दैट आई वर केयरफुल। एक और एग्जांपल लिखा है, वुड दैट आई वर यंग अगेन, काश ऐसा होता कि मैं क्या हो सकता, दोबारा जवान हो सकता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश ऐसा होता कि मैं एक पक्षी होता। तो आप क्या पक्षी हो सकते हैं, कोई इंसान कभी पक्षी बन सकता है, कोई इंसान कभी पक्षी नहीं बन सकता है। तो ये असंभव स्थिति है, आप असंभव स्थिति यानी कि अनरियल कंडीशन को आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप किसका यूज करोगे, वुड का यूज करोगे। एक और एग्जांपल दिया है, वुड डैट आई वर यंग अगेन, ऐसा काश ऐसा होता कि मैं दोबारा जवान हो सकता। कोई इंसान क्या दोबारा जवान हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक बार उसकी जवानी निकल जाती है तो वो जवान नहीं हो सकता है। एज है ये, एक बच्चा, एक इंसान पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है तो यंग हो जाता है, फिर वो क्या होता है, बुढ़ापे में चला जाता है। ठीक है, अपनी ओल्ड एज में चला जाता है। तो ये लाइफ के पार्ट्स हैं, इनमें वापस नहीं जाया जा सकता, क्या आप वापस जवान हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अपने आप में कैसे समझ सकते हैं कि अपने आप में क्या है, असंभव स्थिति है, अनरियल कंडीशंस है। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं। करते किस तरीके से हैं, ऐसे करते हैं जैसे दिया हुआ है। तो ऐसा आप समझ सकते हो, ये थे हमारे किसके यूजेस, वुड के यूजेस। अब हम चलते हैं सुड के यूजेस में। सुड का हमारा फर्स्ट यूज क्या है, सुड का फर्स्ट यूज है ये समझ लेते हैं। सुड क्या है, सेल का क्या है, पास्ट है। कहाँ पर पास्ट है, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करता है, किसको, पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करता है। जैसे सी सेड दैट आई शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, उसने कहा कि, अपने आप में ये इनडायरेक्ट स्पीच है, क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, मुझे रिपोर्ट को जमा करना है, ये मेरी क्या है, ड्यूटी है, फॉर ड्यूटी, ड्यूटी के लिए जमा करना है रिपोर्ट को मंडे तक। ठीक है, या मंडे तक। ही सेड दैट आई शुड अटेंड हर पार्टी, उसने कहा कि मुझे क्या करना था, पार्टी अटेंड करना चाहिए था।
ऐसा आप कह सकते हो। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच जब लिखी होगी तो आप किसका यूज करोगे, सुड का यूज करेंगे। जब आपको सेल और सुड दिया जाए ऑप्शन में और इनडायरेक्ट स्पीच दी हो तो आप किसका यूज करोगे, सुड का यूज करोगे। ये चीज आपको दिमाग पर रखनी है। सेकेंड यूज देख लेते हैं, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, कर्तव्य। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको अगर अपना कर्तव्य बताना है तो आप किसका यूज करोगे, सुड का यूज करोगे। आपको अपनी ड्यूटीज बतानी है, किसी की भी ड्यूटीज को एक्सप्रेस करना हो कि सामने वाले की ये ड्यूटी, ये वाली ड्यूटी है, ये वाला कर्तव्य तो उसको करना ही चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, द प्यून सुड रिंग द बेल, प्यून को घंटी बजानी ही चाहिए, ये उसका क्या है, कर्तव्य है। तो क्या लगाओगे आप, सुड लगाओगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, वी सुड हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की, जिनको जरूरत है ठीक है, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये क्या है, हमारी ड्यूटी है। ठीक है, अगर हम इतने सक्षम हैं कि हम जरूरतमंदों की क्या कर सकें, जिनको जरूरत है उनकी हम हेल्प कर सकें, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, एडवाइस सजेशन, और ये यूज हमारा थर्ड है, एडवाइस सजेशन और इन्फेरेंस, सलाह सुझाव और निष्कर्ष को व्यक्त करता है कौन, सुड। जैसे कि सी सुड डू हर वर्क नीटली, उसे अपना जो काम है वो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही साफ तरीके से, नीटली करना चाहिए, बहुत ही सफाई से करना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल, वी शुड ऑबे अवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर्स के आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये आपने कई बार सुना होगा, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमारा क्या है, कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो आपको ड्यूटी या कर्तव्य को, यानी कि ड्यूटी मतलब ही कर्तव्य होता है, आपको एक्सप्रेस करना हो इनको कभी, या एडवाइस देनी हो कभी किसी को, ठीक है, या उसके उसकी आपको किसी को सजेशन देना हो, तब भी आप किसका यूज करोगे, सुड का यूज करेंगे। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यूज हमारा लेस्ट के आगे उद्देश्य प्रकट करता है कौन, सुड। जैसे कि लेस्ट का मतलब हो, लेस्ट का मतलब होता क्या है, ऐसा ना हो कि, अपने आप में एक कंजक्शन है, लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, रन स्लो लेस्ट यू सुड फॉल डाउन, स्लो दौड़ो ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, गिर जाओ। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, उद्देश्य को प्रकट करना है अगर लेस्ट के जरिए, तो ऐसे करेंगे, रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तेज तेज मत दौड़ो, स्लो दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आपको अगर उद्देश्य बताना है लेस्ट के जरिए, लेस्ट उद्देश्य बताने का काम करता है, तो आपको क्या करना है, जब लेस्ट वर्ड मिल जाए ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, सुड लगाना है। फोर्थ यूज हमारा लेस्ट का, लेस्ट के आगे उद्देश्य प्रकट करता है। जैसे कि अगर लेस्ट वगैरह लिखा हो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ठीक है, तो रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, ऐसा ना हो, मतलब कहने का मतलब है तुम तेज मत दौड़ो, स्लो दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, गिर जाओ। तो यहाँ पर आप क्या बता रहे हो, उद्देश्य बता रहे हो कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है। तो लेस्ट के जरिए आप बता रहे हो कि मेरे कहने का ये उद्देश्य क्या है, भैया स्लो दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, गिर जाओ। तो अगर लेस्ट मिल जाए तो आपको क्या यूज करना है, सुड ही यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर लेस्ट आ जाए तो हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, सुड का यूज करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर लेस्ट के जरिए उद्देश्य को प्रकट करना हो तो सुड के द्वारा ही कर पाते हैं हम। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि आप गिरो ना, इसलिए यहाँ पर क्या दी जा रही है, एक समझ लीजिए एडवाइस दी जा रही है, कहीं ना कहीं एडवाइस ही है, एडवाइस ये है कि भैया स्लो दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। उद्देश्य क्या है मेरे एडवाइस देने का, कि आप गिर ना जाओ, इसलिए ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, वॉक स्टडी लेस्ट यू शुड स्टम्बल, स्टम्बल से क्या मतलब है, वॉक स्टडी ध्यान से चलो, लेस्ट यू शुड स्टम्बल, ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या हो जाए, ठोकर घल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है कि आपको ठोकर ना घले, इसलिए आपको क्या दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है, वॉक स्टडी, ठीक है, ध्यान से चलो। ठीक है, और नेक्स्ट फिफ्थ यूज समझ लेते हैं, सपोजन, यानी कि कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज करते हैं, हम सुड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, सुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट फॉर मी, एक और एग्जांपल लिखा है, सुड यू लॉस द वे आस्क समबडी। तो ये थे हमारे सुड के यूजेस। अब हम चलते हैं ऑट टू की ओर। ऑट टू का फर्स्ट यूज है हमारा, ऑट टू का यूज मोरल ड्यूटी, यानी कि नैतिक कर्तव्य या सोशल बाइंडिंग, सामाजिक बंधन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, बिल्कुल एकदम सुड के जैसे होता है, ज्यादातर क्या होता है, जहां सुड लग सकता है वहां ऑट टू भी लग सकता है। जैसे कि आपने एग्जांपल सुना होगा, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स और वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एंड वी और वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, ये आपने कई बार सुना, कभी कभी ऑट टू लगाकर बोलते हैं लोग, कभी कभी सुड लगाकर बोलते हैं लोग।
तो आपको अगर अपनी क्या बताना हो, नैतिक कर्तव्यों को बताना हो या सोशल बाइंडिंग वाले एग्जाम्पल्स को देना हो, तो आप किसका यूज करोगे? ऑट टू का यूज करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, यू ऑट टू सर्व एंड स्माइल। आपको क्या करना चाहिए? हमेशा लोगों से आप हमेशा लोगों की मदद करें और स्माइल से बात करें, खुश होकर बात करें। ये आपका क्या है? नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर सीनियर्स। हमें अपने सीनियर्स का क्या करना चाहिए? हमें अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारा क्या है? नैतिक कर्तव्य है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें आपके नैतिक कर्तव्यों को एक्सप्रेस करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑट टू का यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल, यू ऑट टू वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। ठीक है, हमें अत्यधिक प्रयास करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए फर्स्ट आने के लिए। हमेशा हर काम में फर्स्ट आने के लिए हमें अत्यधिक क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? नैतिक कर्तव्य है। तो ये थे हमारे किसके यूजेस? ऑट टू का। ऑट टू बहुत छोटा है, ऑट टू के इतने यूजेस है, आप समझ लो कि जहाँ सुर लगा सकते हैं वहाँ ऑट टू लगा सकते हैं, डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पर। अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों लग जाते हैं। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो जब आप एक साथ, यानी कि वी लगा रहे हो सब्जेक्ट में, जब आप एक साथ किसी को एडवाइस दे रहे हो तो वो एडवाइस नहीं होती, वो एक क्या होता है? अपने आप में एक आप नैतिक कर्तव्य को एक्सप्रेस करते हो। सभी के नैतिक कर्तव्यों को अगर आपको एक साथ सबके सामने एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लगाओगे? ऑट टू लगाओगे। आप किसी को पर्सनली बोल रहे हो तो आप क्या लगाओगे? सुर लगाओगे। आप किसी को पर्सनली एडवाइस दे रहे हो तो वो एक मौलिक, वो एक नैतिक कर्तव्य की जगह क्या हो जाता है? एक एडवाइस के रूप में काम करने लगता है, तो वहाँ आप सुर लगाओगे। अगर आपको नैतिक कर्तव्य बताना हो, सबको सबका कर्तव्य बताना हो, तो आप क्या लगाओगे? ऑट टू लगाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल की ओर, जो है हमारा मस्ट, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 10th मॉडल है, 10वें नंबर का मॉडल है। मस्ट का प्रयोग समझ लेते हैं। मस्ट का प्रयोग पहला यूज क्या है? नेसेसिटी। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि आवश्यकता या कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं? हम मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट बहुत ही ज़्यादा हमें किसी को बाध्य करना हो किसी काम के प्रति, कि हर कोई किसी न किसी काम के प्रति बाध्य है, उसको व्यक्त करना हो कि डॉक्टर इलाज करने के लिए बाध्य है, टीचर पढ़ाने के लिए बाध्य है। ठीक है, और जो सोल्जर्स हैं वो अपने सीनियर्स के आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हैं, बाध्यता को शो करना हो। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। वैसे ही समझ लेते हैं, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ठीक है, को एक्सप्रेस करना हो कि, तो किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है, सी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस। अगर आपको सी मस्ट रन फास्ट टू कैच द बस, नेसेसिटी क्या थी, जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी? वह तेज भागी, क्या करने के लिए? बस पकड़ने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, वी मस्ट प्ले आवर डेट्स इन टाइम। ठीक है, हमें अपने पे का, यानी कि हमें अपने जो भी उधार हैं उनको टाइम पर क्या करना चाहिए? पे करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट टेक हिम टू टास्क। हमें हमेशा टास्क को लेना चाहिए, जो कोई भी टास्क हो हमें वो टास्क लेना चाहिए। ज़रूरत रहती है, हमें हर टास्क की आवश्यकता रहती है हर काम की। ये हमारा कर्तव्य भी कि हमें हर टास्क को, हर जो भी काम दिया जाए उसको करना चाहिए। ठीक है, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंपल्सन से मतलब है अनिवार्यता या बाध्यता भी कह सकते हैं हम। यू मस्ट ऑबे द लॉज ऑफ द लैंड, जो भी हमारे धरती के नियम हैं उनका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है, यू मस्ट बैक पार्डन ऑफ योर पेरेंट्स। हमेशा अपने जो पेरेंट्स हैं उनके आज्ञा का करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और कभी भी जो भी वो कुछ पूछें उनका क्या देना चाहिए? जवाब देना चाहिए। फिर इम्फैटिक एडवाइस, इम्फैटिक एडवाइस मतलब जोरदार शिक्षा। सी मस्ट सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखा है, यू मस्ट नॉट टेल लाइज, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ये एक जोरदार शिक्षा है जो आप किसी को क्या कर रहे हो? दे रहे हो। आप कह सकते हो कि आप किसी को बहुत ही इम्फेसाइज करके ये शिक्षा दे रहे हो, कि आपको दबाव भी है, आप दबाव भी डाल रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए? कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज सीनियर्स, उसे अपने सीनियर्स का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए या रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट की बात हो तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को भी अपने सीनियर्स की, सीनियर्स का रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए, तो क्या लगेगा? यहाँ मस्ट लगेगा। और फोर्थ यूज क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी और बिलीव, निश्चितात्मक और विश्वास व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? हम मस्ट का यूज करते हैं। सी मस्ट बी 70 नाउ। ठीक है, उसे 70 साल का तो होना ही चाहिए। क्या निकलता है? मस्ट का अर्थ निकलता है, उसे 70 साल का तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोहिबिशन, यानी कि निषेधाज्ञा व्यक्त करने के लिए भी किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यू मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर, हमें
कभी भी किसी के पत्रों को पढ़ना नहीं चाहिए, हमें कभी भी किसी की डायरी को पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ समझना है। ये चीज़ क्या है, मना की जाती है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यू मस्ट नॉट इंटर अ लेडीज़ कंपार्टमेंट। कभी भी किसी भी लेडीज़ के कंपार्टमेंट में, जो लेडीज़ का कंपार्टमेंट बनाता है, उसमें बिना परमिशन लिए नहीं जाना चाहिए, ऐसा समझ लेते हो, नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नोट समझ लेते हैं, इस प्रयोग में मस्ट के बाद नॉट आता है, क्या आता है, नॉट। नॉट का यूज जरूर होता है जब आपको क्या करना हो, निषेधाज्ञा बताना हो किसी की, ठीक है, कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट नॉट का यूज जरूर होता है, ये चीज़ आपको समझना है। तो ये थे हमारे किसके यूजेज, मस्ट के यूजेस। अब हम चलते हैं अपने अगले मॉडल की ओर, हमारा 11 और 12 नंबर का है नीड एंड डेयर। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, और डेयर का मतलब होता है साहस। मैंने इन दोनों को साथ में रखा क्योंकि इन दोनों के जो सेंटेंस का पैटर्न है वो एक जैसा रहता है, बस इनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं और इनका यूजेस भी अलग अलग है, लेकिन कहने का मतलब सेंटेंस का पैटर्न एक जैसा है, अभी आप समझ जाओगे खुद ही। देखिए, जैसे कि नीड का फर्स्ट यूज क्या है, नेसेसिटी, आवश्यकता के भाव को व्यक्त करने के लिए, यानी कि निषेधात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कि यू नीड नॉट स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल, नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ से जाने की जरूरत है। तो ये हो गया कैसा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जरूरत का भाव निकल के आए, जरूरत की बात हो तो क्या लगाओगे आप, नीड लगाओगे, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब में नीड का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे सी नीड टू डाइन नाउ, एक एग्जाम्पल और, सी डज नॉट नीड टू डाइन नाउ। आवश्यकता के अभाव में नीडेंट का प्रयोग कर सकते हैं हम, अगर हमें आवश्यकता है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, नीडेंट का भी यूज कर सकते हैं। डेयर का ही समझ लेते हैं, डेयर का अर्थ है साहस, यानी कि साहस करना। इसका प्रयोग निषेधात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है, बिल्कुल कैसे किया जाता है, नीड के जैसे किया जाता है। जैसे कि ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, उसके अंदर मेरे खिलाफ बोलने का साहस नहीं है। अगर साहस का भाव निकल रहा है तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा सकते हैं, डेयर लगा सकते हैं। हाउ डेयर यू डिक्लेयर यू, हाउ डेयर यू डिक्लेयर सो। तो इस तरीके से भी आप किसका यूज कर सकते हैं, डेयर का यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको याद रखना है कि डेयर और नीड का बस आपको मीन्स पता होना चाहिए, नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। अगला मॉडल है हमारा यूज टू। यूज टू का यूज हम कैसे करते हैं, यूज टू का यूज हम पुरानी हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं, ओल्ड हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं। यूज टू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, माय अंकल यूज टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मेरे अंकल रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, ये उनकी क्या थी, पास्ट की हैबिट थी। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, शी यूज नॉट टू अब्यूज एनीबॉडी, उसकी आदत किसी को भी गालियां देने की नहीं थी। ये आप क्या बता रहे हो कि ये उसकी पास्ट की हैबिट नहीं थी, उसकी किसी को भी गालियां देने की आदत नहीं थी, ऐसे भी यूज हो सकता है। वर्तमान की आदत को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं यूज टू का यूज। द पेशेंस इज नॉट यूज टू नॉइज, एक एग्जाम्पल और है, शी यूज टू अ सोरोफुल लाइफ, उसकी दुख भरी जिंदगी जीने की क्या है, आदत है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि आपको आदत को एक्सप्रेस करना हो पास्ट की या वर्तमान की, तो आप किसका यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। तो ये थे हमारे 13 मॉडल जो हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान तरीके से सीखे। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।